गाइस अभी रिसेंटली मैं बात एंड बॉडी वॉक्स गई थी एंड मैंने इतना सारा सामान लिया. बेसिकली आई वॉज वेटिंग फॉर बाथ एंड बॉडी वॉक्स टू ओपन इन इंडिया एवर सिंस आई सॉ दैट माई फेवरेट यूट्यूबर हु इज ज्वेला, शी इज अ ह्यूज फैन ऑफ देयर कैंडल्स. एंड मैं तब से वेट करती थी कि हाउ एंड वेन कैन आई बाय इट, बिकॉज यू नो यार आप अपने फेवरेट यूट्यूबर को कुछ यूज़ करते हुए देखते हो और आपको लगता है यार मुझे भी लेना है वो. बेसिकली मेरे साथ वही हुआ. मेरी फेवरेट यूट्यूबर बाथ एंड बॉडी वर्क्स की बड़ी फैन है, लाइक शी इज सच अ ह्यूज फैन कि शी लिव्स इन द यूके एंड यूके में बाथ एंड बॉडी वर्क्स नहीं है एंड वो यूएस से इम्पोर्ट कराती है, यूएस से बेसिकली सारा मंगवाती है सामान अपना यूके में. दैट इज हाउ मच अ बिग ऑफ अ फैन शी इज. शी इज अ बिग फैन ऑफ द कैंडल्स और बाथ एंड बॉडी वर्क्स अपने कैंडल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. बट मैंने कैंडल्स अभी नहीं खरीदी है बिकॉज इट मेक्स नो सेंस फॉर आस इन इंडिया टू बाई कैंडल्स राइट नाउ. हमारे घर में पंखे चल रहे हैं, कैंडल जला के मैं क्या करूँगी, कैंडल बुझ जाएगी. आई एम वेटिंग फॉर डिसम्बर, नॉट डिसम्बर बट आई एम बेसिकली वेटिंग फॉर दिवाली सीजन सम टाइम अराउंड नो जब पंखे बंद हो जाते हैं उस टाइम के अराउंड, ऑटम के अराउंड आई एम वेटिंग टू बाई इट बाई दोज कैंडल्स बिकॉज उस टाइम पंखे नहीं चल रहे होंगे तो हम कैंडल्स जला सकते हैं. आई हैव हर्ड दैट दे आर द बेस्ट एंड आई कांट वेट टू गेट माई हैंड्स ऑन देम. The rest stuff that I've got are also things that I've heard are really, really good. The first one out are these, which are hand soaps basically. ये भी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. Use नहीं किया अभी तक, अभी सिर्फ खरीदा है, but I've heard they're really good. This one is the gentle foaming hand soap, and it's the kitchen lemon smell. This comes with coconut oil, so ये आपके हैंड को moisturize भी करेगा. This was a 695 and थोड़ी इनके discounts and deals चल रहे हैं क्योंकि अभी अभी open up हुआ है. They've gotten discounts and stuff on like all of them together and stuff. This smells literally like अगर आपने विम use किया है कभी किचन में डिश वॉशिंग सोप का, exactly like that. And I actually love that smell. मुझे कभी भी बर्तन धोने होते हैं ना तो हमारे घर में लाइक दो टाइप के बर्तन धोने वाली things है, मैं हमेशा विम use करती हूँ क्योंकि मुझे उसकी smell इतनी अच्छी लगती है. And this smells exactly like that, and I'm like, yes. Next is this, which is the aromatherapy stress relief gentle foam hand soap. अगर आप लोगों को नहीं पता कि foam hand soap क्या होता है, because in India it's still kind of like मैंने बहुत लोगों के यहाँ नहीं देखा है. Like जब आप इसे press करोगे तो soap नहीं आएगा, like सिर्फ bubbly foam आएगा आपके hands में. This was again also for 695, and this is eucalyptus plus spearmint gentle foaming hand soap. ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगी, वेरी फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग, थोड़ा मैनली स्मेल भी है इसका, विच आई फाउंड वॉज रियली रियली नाइस. व्हेन आई गॉट दिस विच इज़ अ सिंपल हैंड सोप, दिस इज फ्रेंच लैवेंडर, इट्स फ्रेंच लैवेंडर विथ हिंट्स ऑफ एम्बर, या एंड दिस वॉज फॉर 695 अगेन. इसमें कुछ था कि यू बाय थ्री देन यू गेट ऑल थ्री फॉर वेरी लो, लाइक 1400 और समथिंग लाइक दैट, सो ओवरऑल लाइक कम पड़ता. The last, the fourth one also is a hand soap. This is eucalyptus mint, and it says fresh mint, crispy eucalyptus, and sweet clear sage. This also smells nice. Yeah, the smell nahi aa rahi abhi. Oh, this smells of double mint chewing gum hoti hai na, that and like aloe vera. I know it sounds strange, but this smells right, exactly like double mint. प्लस एलोवेरा. ये नहीं होता है ना मैंने हाउ दिस स्मेल्स लाइक फ्रेश लैवेंडर. मैं नाक पे लग गया. दिस स्मेल लाइक फ्रेंच लैवेंडर, लिटरली स्मेल्स लाइक फ्रेंच लैवेंडर. तो बिल में है आई गॉट थ्री ऑफ दीज टुगेदर फॉर 1495 एंड देन वन आई गॉट फॉर 695. देन नेक्स्ट बैग, फर्स्ट आउट दिस, ये पहली चीज थी जो मैंने अपने बास्केट में डाली थी. दिस इज अ फोमिंग शुगर स्क्रब and it says 1000 wishes, and this is a part of their signature collection. It's a sparkling celebration. मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा फोमिंग शुगर स्क्रब, मुझे स्क्रब वैसे भी अच्छा लगता है. स्मेल नहीं आ रही है बट आई थिंक दिस इज स्ट्रॉबेरी, मे बी स्मेल नहीं आ रही है, आई कॉन्ट स्मेल इट, बट ये रैसबेरी, आई थिंक रैसबेरी की ज़्यादा स्मेल है. दिस स्मेल्स लाइक रैसबेरी, डजंट से व्हाट स्मेल इट इज ऑन द आउटसाइड. मैंने बस पिकअप कर लिया बिकॉज इट सेड शुगर स्क्रब एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्क्रब एनी वेज, सो
want this. Then out is this, which I found very interesting. This is an again from the aromatherapy range, and this is called Energy, and this is, the smell is orange and ginger with natural essential oils, body wash and foam bath. So you can use this two ways. You can use this as a body wash, or in the bath you can just put this and you'll get some foam. And smells really fresh. Again, like, smells exactly like orange and ginger. Then I got this, which is a Bath and Body Works lemon cello concentrated room spray. This is in the scent lemon, obviously, and cute si bottle lagi mujhe. I love room freshener, especially jab koi aane wala hota hai na, usse pehle thoda sa spritz kar do to room like acha jata hai. It smells nice and it smells like lime, like not even like lemon, smells like lime. Agar aapne lime smell nahi kiya to jo neeboo ka like outer skin hoti hai na, uski jo smell hoti hai, it smells like that. It also has some sweet notes, like thoda meethi smell bhi aa rahi hai, which is unusual. This was for 695 and smells really nice. My room instantly like it's liven up ho gaya. Maine ye bhi liya hai, which is an electric diffuser. I love diffusers. मुझे वो oil diffusers इन और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. But उनके साथ problem क्या है? Again summers में, because fans are on, ACs are on, उसके नीचे की जो fire tea light आप जलाते हो ना, वो बुझ जाती है, इधर उधर होती है, so वो perfectly work नहीं कर पाते. So I bought this. मैंने electrical diffusers otherwise भी देखे हैं, but they've never been this pretty. मतलब वरना you know अपने आप plug में कुछ लगाओ, like plug तो सामने ही होता है ना, अजीब सा लगे. I don't like that. So I got this. Sorry, हाँ, room freshener की smell अभी भी like काफी अच्छी है. 1245 and इसके लिए मैंने diffuser जो like oil जो use करना था वो ये लिया है. This is at the beach and इसकी smell काफी heavenly है, like very fresh again. This was for 595. Again deal चल रही थी इसमें, अगर आप दो लोगे तो कम price का था, but then I was like no, I just want to buy one right now and see if it works. अगर work करेगा तो फिर मुझे actually diffuser एक और लेना है. And तब मैं सेंस इन ऑल और भी ले सकती हूँ, बिकॉज देन मैं अदर रूम में लगाऊंगी. अभी एक रूम में लगा के ट्राई कर लेते हैं, स्पेशली क्योंकि मेरे जो ड्राइंग रूम है एंड जो फैमिली रूम है, दैट्स लाइक अ ह्यूज हॉल, तो उसमें डिफ्यूजर्स भी वर्क नहीं करते हैं, ऑयल डिफ्यूजर्स भी वर्क नहीं करते हैं, सेंटेड कैंडल्स वर्क नहीं करते हैं. एयर फ्रेशनर्स काफ़ी वर्क करते हैं, बट एयर फ्रेशनर्स कुछ टाइम के बाद थोड़े से डल ऑफ हो जाते हैं. सो आई वॉन्ट टू सी इफ दिस वर्क इन अ बिग हॉल काइंड ऑफ रूम. And if it does, then I'll buy another one for the other room. Then this I got for my car. This is a visor. This actually gets attached to your car visor. Visor to bol rahi hu, visor. Sorry. This is for your car. आपका वो जो नीचे flap होता है ना, that's called a visor, I think. उसमें ये attach हो जाता है. And then you can put a scent. The one that I bought was called Blossom, Cactus Blossom. And इसमें ये लिखा होता है that this is like a true blossom smell, a true फ्लोरल स्मेल, एंड आई होप दैट इज, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट स्मेल्स नहीं अच्छी लगती. आई लाइक फ्लोरल सेंट्स व्हेन दे आर लाइक ट्रू फ्लोरल सेंट्स. आई एम होपिंग कि दिस इज लाइक ट्रू फ्लोरल. इसको स्मेल नहीं कर सकते थे बिकॉज इट्स स्लाइटली पैक्ड. देन द लास्ट थिंग, थिंग्स दैट आई बॉट वर द थिंग्स दैट आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट आर दीज, व्हिच आर बाथ फिजेस. I have been dying to buy bath bombs and bath fizz ever since I've seen Zoella use them. They look so cool. मेरे पास bath melts थी, मेरी friend ने मुझे gift की थी last Mother's Day, and that's actually really good what she got me. Like उसमें bath लेने के बाद आपकी skin इतनी soft and smooth and all हो जाती है, but that doesn't bubble up. वो बस like आपके bath water को moisturizing and all करती है, but वो bubbles नहीं आते हैं, like it's not like fun. तो इसीलिए I was so excited when I found out that Bath and Body Works is coming, because they have these which are bath bombs, not bath bombs, sorry, bath fizz. This is the one called I Wish, and इसमें से greenish looks हैं, and I'll read to you. Summer Skies Bath Fizz. These are for 645 each. Smells really fresh. Then I have this one, which is called Warm Vanilla Sugar, which smells of brown sugar and vanilla, if you ask me. This is bergamot plus mandarin, which is like an orangey flavor. Again, bath fizz is natural essential oil,
इसकी स्मेल अभी उतनी नहीं आ रही क्योंकि मेरे एयर फ्रेशनर की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा. सो आई कांट रियली स्मेल दीज एंड डिस्क्राइब दीज टू यू परफेक्टली. दिस इज़ फ्रॉम द अरोमा थेरेपी रेंज एंड इट्स कॉल्ड फोकस यूकेलिप्टस एंड टी. कांट स्मेल इट बट अगेन हाउ क्यूट आर दोज. एनीवेज दैट्स प्रीटी मच एवरीथिंग दैट आई बॉट फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू यूज़ ऑल ऑफ दैम. रूम फ्रेशनर ऑलरेडी मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल है. सो मैंने दो तीन बार स्प्रे कर दिया था. सो आई एम गेसिंग जस्ट इन वन स्प्रे इज इनफ फॉर वन रूम. मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि बॉटल छोटी है तो ऐसा ना हो दैट गेट्स फिनिश्ड ऑफ रियली सून. बट आई थिंक वन स्प्रे ऑफ दिस इज मोर देन इनफ. एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड यू विल गेट टू नो हाउ व्हेन आई एक्चुअली यूज दीज प्रोडक्ट्स एंड हाउ आई फील अबाउट दैम. दे आर आई एग्री अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव. विल आई नीड परचेज देम और नॉट डिपेंड्स कम्प्लीटली कि मुझे ये कितने ज़्यादा पसंद आते हैं. क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि मुझे कोई प्रोडक्ट एक्सट्रीमली ज़्यादा पसंद आता है देन आई डू रीपर्चेज देम. आई सेव अप एंड रीपर्चेज. सो ओनली टाइम विल टेल कि मुझे ये कितने ज़्यादा यू नो प्रोडक्ट्स पसंद आए देन आई रीपर्चेज. ऑफकोर्स मुझे कैंडल तो खरीदनी है अंदर वाली बट एवरी अदर प्रोडक्ट दैट्स हेयर आई विल बी यूजिंग देम इन माई ब्लॉग्स. सो सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी इफ यू वॉन्ट टू सी हाउ आई यूज दीज प्रोडक्ट्स एंड इफ यू वॉन्ट टू सी अ लाइफ ऑफ अ little mom with her little baby and her big family. And I'll see you guys very, very soon. Bye.